चांदी का तरह गोप्रो। The next day, ये मैगी बस 15 मिनट और सूख जाए फिर इसके मोती चूर के लड्डू बनाए जाएंगे जब ये और कड़क हो जाएगी। ये मैगी नेस्ले ना खाए। अरे 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 ये कैसे गिर कैसे रहा है ये? बॉडी सीधा। एक मिनट, पाबो श्रीनगर हमें जाना कहाँ है? हमें तो पौड़ी जाना है। अरे हाँ, इस रोड पे मैं कोई आ रहा था, वो एक वो इसमें वो भी आया तेरा पंजाबी रेस्टोरेंट, वो पंजाबी भोजनालय। तो भाई अभी अभी जो इतने सारे सोलर पैनल दिखाए भाई, मस्त है। सोलर फार्म सा है कुछ ऐसे, पता नहीं क्या कहते हैं। बहुत ही सारे भाई अंधे, देखो क्या चीज है ये। लेकिन खैर अभी आज के दिन के लिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ नहीं करा भाई, इतना अच्छा अच्छा दिन हुआ है। लद्दाख की चीज तो कॉपी कर रहे होंगे, लद्दाख में तो कर रहे हैं। क्या? कर दिया सॉरी, एक गांव उन्होंने बिल्कुल लाइक जीरो कार्बन एमिशन वाला कर दिया। इसमें बात बात का तो बहुत सेंस बन गया मेरी बात के। तूने जो फक ऑफ कर दिया मेरी बात को, पूरी बात ही काट दिया। प्यारा पेट्रोल पंप पूछा मैंने, पूछा मैंने। अबे हां, तो आज के दिन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के बाद ऐसे कुछ नहीं करा है, इतना चिल इतना लेट बैक दिन, नहाए भी नहीं है भाई। और बस किसी तरह एक लड़के को जबरदस्ती काफी कुछ कराया गया। और ऐसा होता है ना कि बेसिक सर्वाइवल के लिए जो चीजें चाहिए होती है खाना, अब उसकी तलाश में निकले वरना हम लोग बाहर भी नहीं आते। हमने सुबह तो बना लिया खाना, अब हम खाने जा रहे हैं कहीं पे कैसे नॉर्मल पार्टी सैंड जा रहे हैं हम। पार्टी सैंड एक जगह है, पता नहीं पुलिस है जो पौड़ी का हाईवे कटता है वहां से एक जगह आती है बीच में पार्टी सैंड, जिसका एक और फन फैक्ट है कि उसके अलावा यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता कहीं। हाँ, पेट्रोल पंप है पार्टी सैंड से पहले। एक अभी साले अभी अभी मैंने अभी वीडियो में देखा है। अच्छा, यही पार्टी सैंड है? यही है। अच्छा ब्रो, पार्टी सैंड हम आ ही चुके हैं, वही है पार्टी सैंड का पेट्रोल पंप। सही है। अगर आपको ऐसे लग रहा हो पहाड़ वहाड़, थोड़ी गर्मी है यहाँ पता नहीं क्यों, लेकिन चलो ठीक ही है यार, सुंदर तो है। दिल्ली में बैठो गर्मी में, यहाँ बैठो गर्मी में, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। क्यों वैभव, आज वैभव काम पे भी है पता है। गुड मॉर्निंग भाई, मेरे को फाल लगता है वाला लगता है। इतना हार्ड वर्क कर रहा है बेचारा, इतना हार्ड वर्क है इसकी नौकरी में। वैभव वही लड़के जिनका एकदम से इंश्योरेंस पे कवर नहीं आती, कि 900 लोग निकाले कंपनी ने। अबे साले पूरे दिन गंदा हो रहा है पूरे दिन इस लौंडे ने माउस हिलाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसकी मैक्स मेहनत ये थी एक फोन ही फोन कॉल पे जाना अपने दोस्तों के साथ। मैड रिस्पेक्ट भाई, लोग कैसे कर पाते हैं जॉब। Workation is way too tough. भाई साहब, लेकिन चलो जो भी है, ऐसे वैभव ने कहा है वैभव ने कि कुछ दिन बहुत बिजी होते हैं, तो अपेरेंटली अभी बिजी दिन नहीं है तो ठीक है भाई, घर के काम पड़ जाते हैं। हाँ भाई, वेलकम बैक सबको, चैनल को हैकरमैन मिल गया तो अब से मैं बनाऊंगा लोग। ये सर छोटे से रेस्टोरेंट को हमने ढूंढा है रास्ते में। पता नहीं क्या बोले मैंने, हेलो बोल। ये देखो ये तुम्हारा ओनर साहब, चैनल के ओनर साहब बैठे हुए रेस्टोरेंट में, कृष्णा देसी ढाबा। प्यारी प्यारी थाली मंगाई है हमने और इतने सही टाइम पे खाना खाने आए हम कि सब खत्म हो चुका है। लंच तो भाई 6 बजे एकदम बढ़िया होता है, हेल्दी रहता है, खाना मिल भी जाता है है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होती। खाने का हमारे ये हिसाब है कि हमारे ऑर्डर देने पे स्पेशली बनने लगा है खाना। इतने टाइम पे हमने लंच किया और एक ये प्यारी चीज देखो यहाँ की, यहाँ का मेन्यू देख लो जरा एक बार। हमने मंगाई है 3 अलग तरीके की थाली क्योंकि हमें अमीर बहुत ज्यादा भैया उम्र हो गई है सर की, एसिडिटी हो जाती है, लिमका पी लो फटाफट से। मजा भी नहीं, चटकारे ले लेके पीऊंगा एकदम।
वो क्रिकेट खेले सामने है शिखर चला ना बोलेंगे बैटिंग हम करेंगे बॉल तो डालेगा अरे अरे वो खाने का भाई हवा अच्छी चल रही है नाइस टैक्सी गर्मी तो नहीं है इतनी अब क्योंकि बस सूर्य डूबने ही वाला है तो बढ़िया अभी भैया ने कहा आधा घंटा तो रुकना है खाने के लिए तो अभी वही वेट कर रहे हैं फोटो वोटो खींचते हैं इधर बच्चे क्रिकेट खेलते दिख रहे हैं उनके साथ शायद खेलने घुस जाए नंबर प्लेट तो दिखा देंगे क्या होगा मेरे तो फर्क पड़ता है किसी की चुराई की गाड़ी है दबराल साहब ने हमने पैसों से खरीदी है पहाड़ों में तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट प्रूफ है क्योंकि घुसने से पहले ही चढ़ने उत्तराखंड चढ़ने से पहले ही उन्होंने हाथ दे के हमें रोका कहते पर्ची दी है और हमसे कहा 100 रुपये दे दो हमने कहा किस चीज़ के दुआ जिससे आपकी एक्सीडेंट ना हो मैं कहा मतलब कि पहाड़ों में होते हैं बहुत एक्सीडेंट तो एक चीज़ जो आपका एक्सीडेंट बचाएगी जो बहुत काम करेगी जागरण की पर्ची वो है ये रिफ्लेक्टर पता नहीं अब ये रिफ्लेक्टर टोनी स्टार्क के डेवलप्ड है ये रिफ्लेक्टर नहीं है जैसी पहाड़ में खाई में गिरने लगी यहाँ पे स्टॉप लग गया ये स्टिकर इन्होंने लगा के दे दिए 100 रुपये में इससे कैसे एक्सीडेंट बच रहा है भाई ये समझाओ ये गाड़ी है ना ये जो 7-8 लाख रुपए की गाड़ी आती है इसके अंदर हेडलाइट नाम की टेल लाइट नाम की एक चीज़ दे रखी है पहले से तो वो रात में जलती है तो मेरे को रिफ्लेक्टर का काम समझ नहीं आया लेकिन चलो ठीक ही है क्या ही करें फोटो वोटो लेते आ रहे ये क्या देख रहा हूँ मैं शिखर सर एक और कोल्ड ड्रिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मिनट भैया अरे भैया ये इस लॉन्ग क्या बताना इसकी अभी फोटो खींचिए और इसने 2 मिनट लेके स्पेशली ये बोला है रुक जा मेरे को बाल ठीक कर दे बाल तो ठीक हो गए भाई चलो खाना ऑलमोस्ट रेडी है हाथ क्या धोने भाई हाथ तो नहीं धोते अब हाथ क्यों धोने कोविड वोविड नहीं होता भाई सुबह से बिना ब्रश करे खाने का तू 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 अपने आप को फर्दर एक्सपोज करता जाएगा इस वीडियो में कर दूंगा मैं क्या दिक्कत है फाइनली लंच हैज बीन सर्व्ड एट 6:01 और इनमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है भाई हम लोगों की गलती है 5:30 बजे मुंह उठा के आ जाओ खाना खिला दो नहीं मिलता भाई लंच करा दो अभी तो हम मैं खा रहा हूँ वेज आलू बढ़िया है पैन चो मैंने मुंह लगाया इसने पहले बता दिया आलू बढ़िया वैभव एक वीडियो ट्यूटोरियल बना सकता हाउ टू रुइन व्लॉग शूटिंग ये हुक पे आ गए ये वैभव की मच्छी थाली है शिखर की कच्ची थाली है चिकन थाली है चिकन तो भाई जस्ट टू शेयर नहीं जस्ट टू गिव द रेफरेंस हम लोगों ने अभी आपने देखा जो रोटी वगैरह खाई उसके अलावा हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी कितनी 1, 2, 3, 2, 5, 6 कोल्ड ड्रिंक छोटी वाली और 2 टकाटक और रोटी वोटी भी थी भर के चावल थे और उसके अलावा अब ये चॉकलेट वॉकलेट भी ले ली टिप भी दे दी और तब हम तीनों का खाने का सब कुछ टोटल कर करा के 600 रुपये आए इसमें हमने पानी की बोतल भी ली घर के लिए टकाटक फिर ले लिए भाई खाने में था चिकन मछली दाल सब्जी जीरा राइस रोटी और वो भी कितनी भी ले लो भाई ये इस बेल्ट पे बहुत सस्ता है और इस बेल्ट पे कोई नहीं टूरिस्ट के नाम पे तो जेन्युइनली एक्सप्लोर करने लायक जगह है मजेदार है देखो तो अज दे साडे उत्तराखंड एक्सप्लोर एपिसोड चे साडे गाइड मिस्टर शिखर डबराल सानू एक जगह लाए हैं जिदा नाम है बीड़ी बाबा जय हो बीड़ी बाबा शिखर भाई जी तुसी दसना चाहेंगे एथे मतलब यहां ही होता है क्यों कहा जाता है इस जगह को बीड़ी बाबा एदे कोलो तोडे एदे कोलो तोडे फीट का हिंदी में बता भाई लोंडो को इंफॉर्मेशन तो पता चल जाए अरे पीर बाबा है आगे आगे मान्यता ये है कि जो भी बंदा ऐसा पास करेगा वो जला के या तो बीड़ी रख के जाएगा सिगरेट तो सॉरी बाबा जी इनोसेंट चाइल्ड हमारे पास है नहीं बीड़ी बीड़ी आई एम रियली सॉरी तो बीड़ी हम पीते नहीं दारू हम पीते नहीं होका हम पीते नहीं तो ये है यहाँ देखो बीड़ी बीड़ी पड़ी है जय कर लो जय कर ली चलो लेट्स गो पहाड़ भाई पहाड़ और भाई
आप लोग जानते ही हैं पहाड़ वेरी मिस्टिकल जगहें हैं, मिस्टिकल जगह है तो यहाँ ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी विचित्र चीजें दिखती रहती हैं। तो और हमने जाम लगवा दिया सड़क। हाँ भाई फटाफट भगते हुए आ गए। असल में बीड़ी बाबा वाला मंदिर, मंदिर तो नहीं कहेंगे, स्पॉट जो है ये बना क्यों था ये बता दिया था कि तू बना गाड़ी थी तो चले रिपीट कर। तो एग्जैक्टली ना स्पॉट पे यहाँ से देखो नीचे नदी, अभी तो पानी नहीं है, ये ऐसे आग लगी के गिरते हैं। गिर जाए तो कंटेंट कितना आ जाएगा। हाँ भाई, अरे भैया बाकी चले चैनल पे लाइक ते कमेंट कर रहे थे मेरा नवा नवा गाना सुनने के लिए, तुसी सब्सक्राइब बटन नवा नवा गाना सुना देते हैं। कौन सा गाना बज रहा था? कॉपीराइट पार्टी ऑलराइट। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, मेरे पास मेरा कैमरा नहीं है, अभी मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शिट इज वेरी सीरियस राइट नाउ। तो अभी ऐसा था हमें भाई चौमिन की आग इतनी प्रॉब्लम हो गई थी, चौमिन गाने का दिल कर गया था दिल से। और शिखर ने कहा कि पैदल ले आओ, पहले बड़े स्नीक में कहा वैभव और ऋत्विक जाके पैदल ले। ऋत्विक हराम ही अड़ गया, कह रहा ऋत्विक गाड़ी से जाएगा। फिर भाई इसका भी दिल करा चलो मैं भी चली लेता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई निकले। नहीं नहीं, फिर बाहर आके हमने सोचा फिर पैदल ही चल लेते तीनों, जब तीन भाई साथ है। तो भाई हम लोगों ने बाहर देखा सड़क पे अंधा अंधेरा, पंजाबी तो चल हमारी फटली, हमने कहा चलो रहने दो। तो अब मैं बताया तो फट क्यों रही थी, पॉइंट ये है देखो अभी हमने ना हेडलाइट बंद कर रखी बिल्कुल, तो ये है इतना दिख रहा है, रुको दिख रही है बढ़िया सड़क, अब ऑन करियो ये है भाई। और अबे वो कौन चलता हुआ आ रहा है अंकल दो भाई, अरे भैया कर ले भाई ऑन कर ले। ये यहाँ पे ये सीन रह रहा है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का अंधा खतरा है भाई। हम लोगों ने बताया नहीं लेकिन घर वर के पास भी तेंदुआ और ये भालू वालू सब आते रहते हैं। तो भाई हम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हैं बस, इसमें जाना था हमारी भी कोई नहीं है जहाँ तक, अभी तो गाड़ी है दिख रहा है। ये देखो भाई वाइल्ड लाइफ सफारी चल रही है, खरगोश था ये, खरगोश बाय, खरगोश तो दिख गया शीशे ऊपर तो लेंस से पहले भी और अंदर थोड़ी को आ जाएगा पंजाब बज चुके हैं। और अब किसी ट्रिप पे आ रहे हो, दो लड़के सिंगल हो तो ऐसे रहते हैं हाथ में खुशियां क्या है प्यारी प्यारी नट क्रैकर्स, एक भाई के साथ ये कुछ है, अब आप समझ जाओ क्या हो रहा है। अपनी तीन मील है चिकन चैकन चैकन वाली तीन मील है, जहाँ ये कुछ भी वेजिटेरियन आ गया तो कुछ पेट नहीं भरता, पर अपने को वेज। और वैभव ने तो ऐसे डाले थे गुरुद्वारे के लंगर, गुरुद्वारे के लंगर में आओ भाई, ये देख लो ये देख लो खा भी ऐसी रहा है किसके एक मिनट में प्लेट सिमने वाले ये देखो। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप लोगों को ऐसे कैंडिड व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं ऐसे फ्यूचर में और करूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ।